तो बात करते हैं ब्रिज प्रेजेंटेशन के नोट्स की, ठीक है। तो ब्रिज प्रेजेंटेशन से पहले हमारे पास कितने टाइप से प्रेजेंटेशन होते हैं वो हमको बताना चाहिए। प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है? जो पार्ट ऑफ द फीटस, पार्ट ऑफ द फीटस दैट ऑक्यूपाई लोअर पोल, ठीक है। ये हमारे पास एब्डोमेन का ये लोअर पोल में कौन सा पार्ट ऑफ द फीटस है उसके बेसिस पे हमारे पास प्रेजेंटेशन बनाया गया है। तो यहाँ पे हमारे पास तीन प्रकार के प्रेजेंटेशन होते हैं। एक तो फीटस का अगर हेड है नीचे की तरफ, जो कि नॉर्मल पोजीशन को हम वर्टेक्स प्रेजेंटेशन भी बोलते हैं, इधर फिटस का हेड है एंड बाकी पॉट इधर है, ठीक है, नॉर्मल पोजीशन है, सिफेलिक प्रेजेंटेशन बोलते हैं। दूसरा जो है ब्रिज प्रेजेंटेशन यार, जिसमें हेड नीचे नहीं है, जिसमें बटक वाला पार्ट नीचे है, या फिर और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रिज होते हैं बट हेड नीचे नहीं है। चौथा होता है शोल्डर प्रेजेंटेशन, शोल्डर नीचे पोल को ऑक्यूपाई कर रहा है लोअर पोल को। तो तीन प्रकार के हमारे प्रेजेंटेशन है। अभी ब्रिज प्रेजेंटेशन की बात करें उसका तो हम वर्टेक्स जो कि नॉर्मल पोजीशन है उसके बाद नॉर्मल प्रेजेंटेशन है उसकी बात भी करेंगे, ठीक है। तो ब्रिज क्या है भाई, यहाँ पे पोडेलिक पोल जो है, नीचे वाला पोल जो है इज है ना इन द पेल्विक ब्रिम इज ऑक्यूपाइड बाय हुम, इट इज ऑक्यूपाइड बाय द बटक्स, ठीक है। एंड ये एक तरह से लॉन्गिट्यूडनल लाई ही है यार, है ना। इस तरह से अगर है तो ट्रांसवर्स लाई बोलते हैं अगर पे है ना बच्चा ऐसे है तो। एंड इस प्रकार से चाहे हेड नीचे हो या फिर हेड ऊपर हो उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल लाई। ये हमारे पास ट्रांसवर्स लाई, ठीक है। तो ट्रांसवर्स अरेस्ट भी होता है, उसको भी हमारे उसके पास उसका भी एक नोट देखेंगे, ठीक है। तो इटोलॉजी की बात करें कि जो ब्रीच है वो क्यों होता है भाई, इसका कारण क्या है? तीन कारण हो सकते हैं, मैटरनल कॉज हो सकता है, फिटल कॉज हो सकता है, प्लासेंटल कॉज हो सकता है, ठीक है। तो मैटरनल कॉज की बात करें तो मल्टीपैरिटी यार, बहुत सारे बच्चे हैं तो उनमें ज़्यादा चांसेस हैं यहाँ पे क्या होने की, ब्रीच प्रेजेंटेशन होने के। अगर यूट्रस के अंदर फाइब्रॉइड हो गया तो फाइब्रॉइड यूट्रस में ज़्यादा चांसेस हैं क्या हो, यहाँ पे ब्रीच हो जाए, है ना। पास अगर पहले भी किसी को ऐसे पहले किसी को ब्रीच हुआ हो, ब्रीच प्रेजेंटेशन हुआ हो, सो उसमें यहाँ पे क्या होता है ज़्यादा चांसेस हैं कि क्या होने के, ब्रीच प्रेजेंटेशन होने के। ये हो गया मैटरनल कॉज। दूसरा है फिटल कॉज, जिसमें हम बात करते हैं अबाउट प्री मैच्योरिटी। प्री मैच्योरिटी जो है मोस्ट कॉमन कॉज है ब्रीच प्रेजेंटेशन का, है ना। मल्टीपल अगर प्रेगनेंट मतलब मल्टीपल ट्विंस हैं या फिर मल्टीपल चाइल्ड हैं, यहाँ पे फिटस हैं है ना, मल्टीपल प्रेगनेंसीज बोल सकते हैं, उसमें हमारे पास चांसेस है कि ब्रीच प्रेजेंटेशन हो जाए। हाइड्रोसेफलस केसेस में यहाँ पे ब्रीच प्रेजेंटेशन हो सकता है। इन केसेस ऑफ पॉलीहाइड्रोएमनियोस ब्रिज प्रेजेंटेशन हो सकता है। दूसरा है प्लासेंटल कर्ज यार, प्लासेंटल कर्ज में हमारे पास प्लासेंटा प्रीवे केसेस में यहाँ पे क्या देखने को मिल सकता है ब्रिज प्रेजेंटेशन, बिकॉज प्लासेंटा प्रीवे में क्या है प्लासेंटा नीचे की तरफ हो जाता है यार, यहाँ पे रहता है ना लोअर सेगमेंट में रहता है। दूसरा इन केस ऑफ शॉर्ट कॉर्ड, जो अगर अम्बिलिकल कॉर्ड है अगर ये शॉर्ट है तो उस केसेस में यहाँ पे क्या देखने को मिल सकता है ब्रिज प्रेजेंटेशन देखने को मिल सकता है। तो ये हमने बात की अबाउट द इटियोलॉजी ऑफ ब्रिज प्रेजेंटेशन। नाउ टाइप्स ऑफ ब्रिज प्रेजेंटेशन की बात करें तो यहाँ पे जो ब्रिज है वो हमारे पास दो प्रकार का हो सकता है, कंप्लीट और एक इनकम्प्लीट। कंप्लीट और इनकम्प्लीट, ठीक है। कंप्लीट में क्या होता है जो एटीट्यूड है बच्चे का वो फुल्ली फ्लेक्स होता है बच्चा, है ना, जिसमें बटक्स जो होते हैं वो नीचे होते हैं, बटक्स एंड 2 फीट जो होते हैं वो नीचे होते हैं यहाँ पे, जो कि हमको यहाँ पे दिख रहा है पूरा फ्लैग्स है तो बटक्स नीचे हैं, 2 फीट जो हैं वो नीचे दिख रहे हैं, उसको बोलते हैं कंप्लीट ब्रिज, जिसमें फ्लैग्स है भाई दोनों, है ना, बटक्स एंड 2 फीट। तो यहाँ पे हिप भी क्या होता है फ्लैग्स होता है एंड नी भी क्या होता है फ्लैग्स होता है। तो उसको हमने क्या बोला कंप्लीट ब्रिज, ठीक है। इनकम्प्लीट में क्या होता है, तीन प्रकार के हो सकते हैं भाई, एक तो होता है फ्रैंक, एक होता है फुटलिंग एंड एक होता है नी। तो फ्रैंक में क्या होते हैं जो बटक्स होते हैं वो यहाँ पे ऑक्यूपाई करते हैं नीचे वाले पोल को, फुटलिंग में लेग्स ऑक्यूपाई करते हैं एंड नीचे वाले पोल को नी प्रेजेंटेशन में नी ऑक्यूपाई करता है। यहाँ पे हिप क्या होते हैं भाई, यहाँ पे हिप फ्लेक्स होते हैं बट नी क्या है एक्सटेंडेड। हिप वाले में
मतलब फुटलिंग में जो हिप है वो क्या होता है, यहाँ पे एक्सटेंडेड होता है एंड नी भी एक्सटेंडेड। एंड नी वाले प्रेजेंटेशन में यहाँ पे हिप इज एक्सटेंडेड एंड नी इज फ्लेक्स्ड। ओके, तो ये हमने बात की अबाउट व्हाट टाइप्स ऑफ ब्रिज की, ठीक है, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट ब्रिज जो होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं वो हमने बात की। नाउ कॉम्प्लिकेशन, ब्रिज की वजह से क्या हो सकता है यार, कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो मैटरनल कॉम्प्लिकेशन की बात कर सकते हैं, फिटल कॉम्प्लिकेशन की बात कर सकते हैं। तो मदर में देखो ब्रिज प्रेजेंटेशन में ज़्यादा चांसेस है कि उसको LSCS करना पड़े, लोअर सेगमेंट सीजरियन सेक्शन करना पड़े, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। सो इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ लोअर सेगमेंट सीजरियन सेक्शन इन मदर। जेनरल ट्रैक को ट्रामा हो सकता है भाई इसकी वजह से, ब्रिज प्रेजेंटेशन की वजह से। नाउ फीटस को क्या क्या तकलीफ हो सकता है ब्रिज प्रेजेंटेशन से यार, इंट्रा पार्टम डेथ हो सकता है, इंट्रा पार्टम डेथ हो सकता है बेबी का, है ना, फीटस का, उसको फ्रैक्चर्स हो सकते हैं यार, है ना, सांस लेने में तकलीफ, दैट इज बर्थ एस्फिक्सिया देखने को मिल सकता है, एंड इंट्रा कैनियल हेमरेज भी हो सकते हैं। तो मैनेजमेंट क्या करेंगे भाई, ब्रीज प्रेजेंटेशन का मैनेजमेंट क्या होगा, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं मैनेजमेंट में, एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन, हाथ से ऊपर यूट्रस मतलब जो एब्डोमेन है उससे घुमाते हैं बच्चे को, है ना, इसके ऊपर भी नोट देखेंगे कि एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन कैसे करना है। सी सेक्शन कर सकते हैं भाई, और करना होता है मेनली तो, है ना, बट यहाँ पे वेजाइनल डिलीवरी भी कुछ कुछ केसेस में पॉसिबल है, वो भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। देखो ये एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन जो है ये काम कर सकता है नॉर्मल पोजिशन में आगे इसके वजह से, या फिर इसके वजह से यहाँ पे अगर नहीं आया तो हम क्या करते हैं सेकेंड अटैम्प्ट करते हैं कि एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन फिर से करते हैं, एंड इसके वजह से भी यहाँ पे आ गया वापस से वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में तो ठीक है ना, ऑक्सीटोसिन दे के इंडक्शन ऑफ लेबर कर देते हैं, यहाँ पे ऑक्सीटोसिन दे देते हैं, इंडक्शन ऑफ लेबर करते हैं, एंड अगर नहीं आया तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है, इलेक्टिव सिजरियन सेक्शन करना पड़ता है, कब, 39 वीक्स में। एंड अगर यहाँ पे बच्चा जो है ठीक है तो सेकेंड अटैम्प्ट करने थे, बट बच्चा ठीक नहीं है, फिटल डिस्ट्रेस देखने को मिल रहा है, तो उस केसेस में हम एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन नहीं करते, इसके प्रोसीजर को स्टॉप कर देते हैं एंड रिवर्ट कर देते हैं टू ओरिजिनल पोजीशन बच्चे को जैसे था पहले, रिवर्ट टू ओरिजिनल पोजीशन, एंड इसमें इमरजेंसी सी सेक्शन करते हैं भाई, ओके। सो ये हमने बात की अबाउट व्हाट, ये हमने बात की अबाउट मैनेजमेंट, कॉम्प्लिकेशन टाइप्स, इटियोलॉजी ऑफ ब्रिज, ठीक है, कितने तरह के प्रेजेंटेशन होते हैं, ब्रिज प्रेजेंटेशन हमने देख लिया, इस पर हम बात करेंगे वर्टेक्स प्रेजेंटेशन एंड ब्रिज का जो ट्रीटमेंट है मेनली एक्सटर्नल सिफेलिक वजन, उसकी बात भी करेंगे यहाँ पे।